नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सलमान खान 52 साल के होने वाले हैं। सलमान का जन्म इंदौर के कल्याणमल नर्सिंग होम में 27 दिसंबर 1965 को सुबह 10:45 पर हुआ था। अस्पताल के सुपरिनटेंडेंट डॉक्टर नीलेश दलाल ने सलमान के बर्थ रजिस्टर पर उस डेट को मार्क भी किया था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था, सलमान सलीम निवासी ओल्ड पलासिया ने 27 दिसंबर को हुई डिलीवरी में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। बता दें कि सलमान को बचपन में तैराकी से डर लगता था। ऐसे में उन्हें एक बार रस्सी से बांधकर पड़ोस के कुएं में फेंक दिया जाता था। सलमान के क्लोज रिलेटिव्स के मुताबिक पहले वो बचपन में तैरने से काफी डरते थे। एक दिन उनकी बड़ी अम्मी ने सलमान को रस्सी से बांधा और पड़ोस के कुएं में फेंक दिया। यह सलमान के लिए स्विमिंग का पहला लेसन था। इसके बाद तो सलमान अक्सर इस कुएं में तैरने जाया करते थे। बचपन में उन्होंने यहीं स्विमिंग सीखी। जन्म के समय ही सलमान का वजन करीब 6.5 पाउंड करीब 3 किलो था। सलमान जब ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में पढ़ते थे तो गर्मी की छुट्टियों में उनका फेवरेट डेस्टिनेशन इंदौर हुआ करता था। इस दौरान सलमान का ज्यादा से ज्यादा वक्त इंदौर की सड़कों पर साइकिल चलाने में ही बीता था। इतना ही नहीं, सलमान दोस्तों के साथ कच्चे आम, कैरिया और जामुन तोड़ते थे और उन्हें नमक के साथ चटखारे लगाकर खाते थे। वैसे सलमान से जुड़े ऐसे कई इंटरेस्टिंग किस्से हैं जिन्हें जसीम खान की किताब बीइंग सलमान में लिखा गया है। हम आपको बता रहे हैं इसी किताब में लिखे सलमान के बचपन से जुड़े कुछ मजेदार किस्से। सलमान ने भले ही अलग अलग शहरों के स्कूलों में पढ़ाई की हो, लेकिन हर साल हॉलीडे पर वो इंदौर जरूर आते थे। सलमान को दोपहर में इंदौर की सड़कों पर साइकिल और स्कूटर चलाना काफी अच्छा लगता था। इंदौर में ही सलमान ने घोड़ा गाड़ी की लगाम पकड़ना सीखा। इतना ही नहीं, शाम होते ही सलमान गन्ने के रुपए की दुकान मधुशाला पर पहुंच जाते थे। सलमान की आंटी सुफिया के मुताबिक वो खाने के बेहद शौकीन हैं। वो अक्सर मुझसे कहते थे, आंटी मेरे लिए खीर और कबाब बनाओ। सलमान के घर के आंगन में काफी पेड़ थे जिनसे वो अक्सर फल तोड़ तोड़ कर खाते थे।